अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आज है चांद रात का दिन और हम हैं डायरेक्ट अपनी जहाँ पे गाय खड़ी होती है वहाँ पे। अभी फ़िलहाल गाय की हो रही है नई नई पार्टी। वैसे तो कल रात को बारिश हो गई थी बट शुक्र अल्लाह का यहाँ पे जो है ऊपर की तरफ शेड लगा हुआ है तो ये लोग बच गए। ये रही गाय हमारी नई नई करते हुए, लेकिन जो हमारे दुम्बे थे वो इसमें भीग गए थे तो हमें रात में ही 3:30 बजे के करीब हुई थी, मैं जाग ही रहा था। तो रात में हमने जाके उन्हें फिर अंदर कर लिया था जीने की तरफ। तो अब ये है कि इसकी नाई नाई की पार्टी करते हैं और फिर बकरे को लेके जाते हैं छत पे। भाई मज़ा आ रहा है तुम्हें? तो ये है हमज़ा नहला रहा है इसे शैम्पू से, इसके पास ब्रश है तो ये बड़े अच्छे से सफाई कर रहा है। वाह भाई क्या बात है, दुम भी साफ़ हो रही है यहाँ पे, इन्हें मज़ा आ रहा है, इंजॉयस कर रही हैं। ओके तो बच्चिया जो है ऑलमोस्ट नहा ली है, बस ये इसका लास्ट राउंड चल रहा है तो इसको तो फिर वापस ही बांध दिया जाएगा क्योंकि ये टहलती ही नहीं है यार। अजीब से भी झुंड में रहने की आदत है, झुंड में चलने की शौकीन है। तो ये वापस यहाँ पे बंधेगी और अब हम चलते हैं बकरे के पास। मैं उसको जो है पानी पिला देता हूँ ताकि यहीं भी पानी पी के जाए, हमारे घर वैसे ही किल्लत। भाई कैसा चल रहा है तुम्हारा, मज़े से बैठे हो, जुगालियाँ कर रहे हो, बारिश तो नहीं आई थी तुम पे? ऊपर भी शेड लगा हुआ है तो ठीक है, इसके ऊपर भी बारिश की बूंदें कुछ खास आई नहीं। आ जाओ, शाबाश, उठो, इन्जॉय करना है तुमने, आओ पानी पीते हैं। ओके बॉय ने पानी पीना स्टार्ट कर दिया, पी लेता है, पी लिया, डन है। अब हम इसको लेके चलते हैं छत पे। इन द मीन टाइम ये गाय थोड़ा सा और भीग रही है तो इसको यहीं रहने देते हैं। हमज़ा पार्टी बॉय इसको फुल शैम्पू से नहला रहा है तो जब तक ये नहाती है हम बकरे को लेके चलते हैं छत। ये देखें ये एक बच्चा गोद में लेके अपने दूसरे बच्चे को खिला रही है। ये हमारा बक्कू, इसको भी मैं अभी लेकर आ गया था, ये इसको यहाँ पे बांध दिया, ये खिलाई पिलाई कर रहा है और इन दोनों मोटा बीन्स ने ऑलरेडी खा लिया है। और अभी धूप कुछ ज़्यादा ही हो रही है, बहुत ज़्यादा धूप है, तो यही प्लान है कि थोड़ी देर में जब धूप सेटल होती है ना तो बच्चों को लेकर आता हूँ फिर पार्टी करेंगे। अभी मजा आएगा ना, भिड़ो डालो डालो सारा डालो और डालिए। चलो मिक्स करो अभी इसको, गुड आवाज़ों लेके प्यार करो उसको, गुड बॉय बोलो, गुड बॉय। जी दोनों आपस में पकड़ो, कहीं नहीं जाएंगे अभी, हमें मजा आया। ओके क्या क्या तुम उसको दुम्बा भी खाऊंगी कलेजी भी खाऊंगी कर रही हो? अभी से प्लानिंग चल रही है, अभी हमने बकरों के, मैं बार बार बकरा कह रहा हूँ, दुम्बों के साथ और बकरे के साथ खेल कूद कर लिया, बच्चों ने भी कर लिया, आपने वीडियो में देख लिया होगा। अब हम चल रहे हैं और फिर हमने उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया था, अभी नहा धो के अब हम चल रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? जाना की शॉपिंग करने। हाँ क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ओके तो हम लोग आ गए हैं अपनी मंजिल पे, डॉनल मॉल तारिक रोड। तो मैंने ऐसे कुछ स्ट्रिक्टली कहा है कि भाई हमने सिर्फ दोनों दुकानें जाना है, विच इज़ गुल अहमद एंड जनरल जमशेद, ये डॉट, इसके अलावा कहीं नहीं जाना है। तो अभी मैं देखता हूँ कि स्ट्रिक्टली यहीं पे ही हम लोग फॉलो करें और कहीं नहीं जाएं। और अरे 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 बर्बाद, ये तो अभी से ही घुस गई आयशा, आयशा सलीम, और ये अभी से ही घुस गई दुकानों ख़त्म, बर्बाद हो गए। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, सारा प्लान चौपट हो गया, कुछ नहीं हो सकता हमारा, सब कुछ चला गया। आयशा सलीम कम ऑन, हमने दो ही दुकानें जाना है, चलो।
तो भाई हम अपनी पहली मंजिल आ गए हैं, विच इज़ जे डॉट, और ज़्यादा नहीं, बस आयशा ने कोई 4-5 शॉप्स और एक्सप्लोर किए हैं, हम आ गए फाइनली। मॉन्स्टर पुलिस का 20 minutes later. तो जी आयशा के लिए तो कुछ नहीं आया, अलबत्ता मेरी शॉपिंग हो गई यहाँ से। नाइस। ओह माय गॉड, चलो अब ज़ैना का लेते हैं। तो जी ये ज़ैना का आ गया माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारा डाइनर, जूनियर से आया। हम लोगों को जे डॉट पे तो कुछ खास समझ नहीं आया, वहाँ पे ऑप्शंस तो थे लेकिन वो चुभने चुभने वाला मटेरियल था, कि ज़ैना को ना चुभना चुभता और फिर अंदर कुछ पहनाना पड़ता, वैसे ही गर्मी है। हमने ये बड़ा क्यूट सा लिया, ये कल आपको इंशाल्लाह ईद के कल डे का जब ब्लॉग आएगा तब पता चलेगा। 3 hours later. और ये रात का वक्त हो रहा है और भाव्स स्ट्रगल करते हुए दुम्बो को खाना खिलाते हुए फाइनली पैर से दूर करके खिला दिया। ये अच्छी बच्ची है, ये हाथ से खिला दिया, ये अपने बक्कू को हाथ से खिला दिया। तो बेसिकली हम लोग अपने सारा आज का दिन आपने देख लिया कितना हैपनिंग था, तो अब हम लोग आ गए हैं रात में बकरों के पास, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए इनके साथ में, खाना वगैरह खिलाया जा रहा है यहाँ पे ने। ये है क्योंकि बड़ा मज़ा आ रहा था इनके साथ में, बड़ी अच्छी एक्टिविटी थी, कभी नहलाया टहलाया, मजाक मस्ती चली, अच्छा रहा। अब ये दिन वैसे ज़रूर डेफिनेटली याद आएंगे, यही है एक बेसिकली मकसद पूरी इस ईद उल अज़हा का। बट खैर ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, आपने आज का व्लॉग देखा होगा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आज काफ़ी मेहंदी ना, ये लोग मेहंदी जाने लगे थे, आयशा को तो मैंने स्पेशली रोका था, आई हेट मेहंदी, उसकी स्मेल जो है पूरे कमरे में फिर रहती है। तो खैर चांद तो खैर बहुत अच्छा आ रहा है भाव, और आज चांद रात है बेसिकली, इंशाल्लाह कल ईद का व्लॉग आएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस व्लॉग को आज ही पोस्ट कर दूँ, अभी एडिट करूँगा इंशाल्लाह, पोस्ट कर दूँगा भले जो भी टाइम हो, खैर है, लेकिन कल इंशाल्लाह ईद का व्लॉग कल ही डालेंगे तो वो और अच्छा रहेगा। तो ठीक है, अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।